हेलो, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। और नए दिन की शुरुआत हमारे कहाँ से हो रही है? वैसे तो नाइट हो चुकी है, लेकिन हमारे नए दिन की शुरुआत हो रही है हमारे जो विख्यात प्रवक्ता जो प्रदीप मिश्रा जी आए हुए उस स्थान पर है। तो दिखाते हैं यहाँ का माहौल, और हम लोग भी कुछ हमारा काम कर रहे हैं। भाई सुमित का देख लो, अभी लगाने वाले फ्लैग्स कुछ। और जैसे कि ये हम स्थान पर है, ये रहा हमारा सबसे खास चीज़, और यहाँ पर आयुष भाई अपने, और ये रहा कथा स्थल। ठीक है, तो चलो चलते और दिखाते अंदर का भी माहौल, बाकी चीज़ें। और बहुत बड़ा मैनेजमेंट यहाँ पर काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर लगी हुई है। पुलिस प्रोटेक्शन है, बजरंग दल है, युवा सेना के काफ़ी जवान जो यहाँ पर काम करने वाले हैं, विद्यार्थी लोग हैं, कॉलेज वाले हैं, सारे लोग हैं। ये देख लो, और ये हमारा, ये भाई साहब अच्छे से संभाले, ये हमारा है भाई साहब दिसु फूड जंक्शन, जिसके ऑनर हमारे साथ में सीधा लाइव कार्यक्रम से। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। आगे हमारा लोकेशन है ग्रीन पार्क के सामने, और इसी लाइन से सीधा जाएंगे तो अशोक लेलैंड का जो शोरूम है वहाँ पर है। तो चलो चलते अंदर और फिर दिखाते बाकी माहौल। तो फाइनली पहुंच चुकी है, ये देखो इतना जुलूस अभी है, नाइट का टाइम है, कल से कथा चालू होना है, और ये सारी व्यवस्था है यहाँ पर। और चलो दिखाते हैं आयुष भाई हमारे साथ में, और हमारे कुछ बैनर्स है, फ्लैग्स है, और अंदर की व्यवस्था देखने के लिए भी चलते हैं और दिखाते हैं बाकी यहाँ का भी माहौल की क्या है व्यवस्था, क्या नहीं है। और नहीं नहीं आयुष भाई, अपन ने आइडेंटिटी बनाने के लिए दिए थे, उसकी भी जानकारी लेना था अपने को। हाँ, सुबह सुबह मिल रहे थे क्या? और हम सूचना बता दें कि प्रदीप मिश्रा जी भी पहुँच चुके हैं बैतूल की पावन धरती पर। तो चलो चलते और दिखाते हैं। फिलहाल पहुंच चुके हो, दिखाते हैं अंदर का माहौल की क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है। यानी कुछ अलग ही माहौल है, एकदम जबरदस्त। ओह हाँ, ओह बड़े भैया हमारे, ये देख लो हमारे लोग, आप यहाँ पता रहा है, यार देख लो भाई साहब, देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं, कितने सारे लोग आ रहे देखने के लिए। हाँ ना, हमारे सरपंच साहब को बता दे, बड़े भैया हमारे, और अंदर का माहौल, अरे मैं तो ये देख लो ना भाई साहब, लक्ष्य तो एकदम बहुत जबरदस्त। और ये रहा कुछ अंदर का माहौल, हाँ तो चलो चलते एक भाई साहब के पास, उनसे भी मिलते हैं जरा आगे चल के। ये देख लो अपने लक्ष्य भाई, इनने भी कुछ अलग ही माहौल बना के रखा है ना, कि पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे तुम, है ना, क्यों? हाँ हाँ, क्या बात है ना, सौभाग्य। तो चलो मिलते मिलते आपको थोड़ी देर बाद, और फिर दिखाते भाई सुमित को, फोन लगाओ। प्रकार का माहौल है यहाँ पर, लोग अभी से कथा सुनने के लिए आ चुके हैं, और नाइट का माहौल कुछ ऐसा जबरदस्त कि सारे लोग, यानी कि सुन रहे हैं सारे लोग, कुछ अलग ही माहौल है यहाँ का, भी कहना कुछ अलग है, क्यों यार, प्रदेश मिश्रा को बैतूल जिला है। हाँ भाई, यानी तो भाई मध्य प्रदेश के तो रहने वाले सीवर वाले हमारे मिश्रा जी भी हैं, और हम भी यहीं के हैं, ठीक है, लेकिन बैतूल में ऐसा माहौल क्रिएट करा है, ऐसा माहौल क्रिएट करा है कि पूछो मत। और दिखाते हैं यहाँ की जनता आप लोगों को, और मिलाते हैं बाकी लोगों से भी। अंदर आ चुके हैं, और कुछ इस प्रकार का माहौल है यहाँ से, कम से कम क्यों, यहाँ से कम 40 एकड़ का प्लाट जी इकट्ठा है, 40 एकड़ समथिंग, 40 एकड़ से ज़्यादा है। यहाँ पर दो LED के दो प्लेटफॉर्म लगे हैं, यहाँ पर इस साइड भी और इस साइड भी, इसमें देखना है। और ये सामने का पूरा माहौल है,
ये रहा पूरा माहौल जहाँ पर सारी चीज़ें सज चुकी है। ये रहा यानी टोटल 3 प्रोजेक्टर लगे हैं यहाँ पर इस साइड, और बाकी प्रोजेक्टर एक इस साइड है, यानी टोटल मिला के यहाँ पर 10 से 15 प्रोजेक्टर लगे, जिस पर सारा कार्यक्रम लाइव प्रोग्राम भी दिखाना है। और यहाँ से क्योंकि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि हमारे जो माँ सूर्यपुत्री माँ ताप्ती का जो लगा है यहाँ से, मैं यहाँ से नहीं देख पा रहा हूँ पंडित जी को, तो सोच लो तो बहुत दिक्कत होने वाली है। इसके लिए ये लगाए हमारे प्रोजेक्टर। और ये रहे आयुष भाई, ये तो अचंभा है, बोले मेरे तो एग्ज़ाम है। क्यों, मेरे तो एग्ज़ाम है, तो चलो अभी इनके एग्ज़ाम ही ख़त्म करवाते हैं, सारी चीज़ करवाते हैं। सुमित भाई का भी कॉल आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग ये जो काम लेकर आए नई चीज़, तो चलो चलते पहले उनका काम करते, उसके बाद में और घूमना है, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। देख लो भाई आयुष एकदम महाराज जी से सीधे लाइव बात कर रहा है, बोले क्या बात है, महाराज जी को कल यहाँ बैतूल की धरा पर भी लाइव देखा जाएगा। बहुत खुश हो रहा है आयुष, बोले भाई मेरे तो गजब की परीक्षा फंसी है, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा। तो चलो मिलते हैं, एक ये लग गया हमारा, एक पार्किंग में 2-3-4 लग गए हैं, अब आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं इधर का नज़ारा। और देख लो रवि भाई भी आ गए हैं अपने, बिल्कुल एकदम कथा स्थल पे मनोरंजन करने के लिए। और पंडित जी भी दिखा रहे हैं, पंडित जी, अरे वो तो पंडित जी को तो पूरा शहर देखेगा, सब देखेगा, सुबह सर सारे लोग देख रहे हैं। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एक ये लग गया है जिसमें लिखा है दिसू जंक्शन फूड चस्का पान, एक वहाँ पर लगा है, और आगे सारी प्लानिंग चल रही और आगे लगाए जा रहे हैं। और कथा स्थल का इतना बड़ा कार्यक्रम है कि बता नहीं सकते, इतना माहौल है यहाँ पर। अभी भी समथिंग टाइमिंग मैं आपको बता दूं कि टाइमिंग मेरे पास में कुछ हो रही है 10:30, और इतनी पब्लिक है देख देख कर जा रही है यहाँ से, और हम लोग भी भीड़े हैं। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो ये है पंडाल, अभी तो आपको छोटा सा दिख रहा होगा पर ये काफ़ी बड़ा है। इधर तक है लास्ट में, और ये बीच का, और कुछ इधर, ये पूरा पंडाल है। ये रहा जबरदस्त का माहौल, ये रहा। हमारे सारे भाई लोग दिख नहीं रहे, लेकिन यहाँ से मैं आपको ये दिखा सकता हूँ पंडाल, मैं कितना जूम कर सकता हूँ। ये रहा हमारा पंडाल जो सबसे पीछे का, और ये उस जबरदस्त का प्लेटफॉर्म जो सारी ओर फैला हुआ, जिसमें सिर्फ इसी में क्षेत्र में लाइटिंग लगी, इसमें हल्की कम है और उधर साइड भी कम है, लेकिन बहुत बड़ा पंडाल है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हमारे हिसाब से 7 लाख की पब्लिक को हम टारगेट कर सकते, इतना बड़ा पंडाल हम लोग देख रहे हैं। तो चलो दिखाते हैं अंदर का भी माहौल, और उधर भी चलते हैं। फिलहाल यहाँ पर बनाए गए नंदी रेडीमेड, और यहाँ से कुछ इस प्रकार का माहौल है, और ये हमने किया जूम, और ये रहा सामने का पंडाल, सूर्यपुत्री माँ ताप्ती का बैनर लगा है और आसपास सजा गया है। और वापस ये रहा, और ये रहे हमारे आयुष भाई, ये अपने भाई रवि, और ये भाई सुमित, चलो अपना भी, और दिखाते हैं यहाँ का जबरदस्त सिनेमैटिक्स। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय वृंदे भवम भवानी संतम। ये देख लो कुछ इस प्रकार की पब्लिक है, इतनी सारी पब्लिक इधर इस जैन फैमिली आ चुकी है, और यहाँ पर सारा व्यवस्था, यहाँ पर प्रोफेशनल जैसे कि VIP लोगों के लिए ये स्थान रखा गया है। और यहाँ से हम दिखा दें आपको एक लेडी प्रोजेक्टर, बहुत सारे लेडी प्रोजेक्टर जो यहाँ पर लगी हुई है, और आगे का माहौल दिखाते हैं हम आपको जो यहाँ पर अभी साज सज्जा चालू है। और ये रहा कुछ इस प्रकार का, ये रहा जबरदस्त सा माहौल।
पीछे साइड का इलाका है, जिस साइड इधर खाने की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है इधर। और भाई अपने ये रहे, जो आते ही जा रहा रात बढ़ते जा रही, लोग घूमते जा रहे, देखते जा रहे, इतना जबरदस्त का माहौल है। और कल क्या होने वाला है ये तो रियलिटी किसी को नहीं पता है, लेकिन कल जो होने वाला है वो बहुत कुछ खास होने वाला है, बहुत कुछ जबरदस्त होने वाला है। चलो अब हम लोग निकलने वाले हैं घर की ओर और दिखाते हैं बाकी माहौल आप लोगों को घर का, कि ये जन आक्रोश जो बढ़ते ही जा रहा है धीरे 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 धीरे। चलो मिलते हैं आपको कुछ पलों के बाद में। चलो सारे लोगों की तैयारी हो गई है, फ्लैग्स लगने वाले हैं, पूरे लग गए हैं जितने लगना है। बाकी कल की सुविधा जैसा कि आपको दिखा दूं, ये सामने छोटे छोटे अक्षरों में इधर समझ में आ रहा है क्या है, मेरे को लाइव दिख रहा है लेकिन आप लोगों को नहीं दिख रहा, हल्का हल्का दिख रहा होगा। यहाँ पर भी लगा है और अंदर लगा है और बहुत सारे, क्या जबरदस्त। और फाइनली अभी हम लोग 4 लाइन पे है और बहुत ज़बरदस्त सीन है। पता नहीं क्या क्या होने वाला है, कल क्या रिकॉर्ड टूटने वाले हैं बैतूल शहर में, ये तो नहीं पता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को हर एक चीज़ दिखाए जो पॉसिबल हो पाए, जो हम दिखा सकते हैं। और फिर हम लोग आप लोगों को भी दिखाएंगे कि यार बैतूल में प्रदीप मिश्रा जी का ये कार्यक्रम कैसे सफल रहता है और किस प्रकार यहाँ पर तैयारियाँ हो रही है, कैसे कैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे और मिलाएंगे हम बाकी जनता से भी। चलो चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको आगे सफ़र में।